थिक्कार है हम सब पर। दर्श हमारे बच्चों को मारकर उनकी लाशों को पेड़ पर लटका रहा है और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हैं। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप सब लोग कि वो हमारे बाकी बच्चों की लाशें भी उसी पेड़ पर लटका दे? मजाक बनाकर रख दिया है उस दर्श ने हमारा, लेकिन अब बस अब कुछ करना पड़ेगा। सुप्रीम पैलेस के राजा स्वामी ने सुप्रीम पैलेस में मौजूद 5 स्कूलों की सेना के वरिष्ठ से ये चीखते हुए कहा। हर्ष की मौत और उसकी लाश को पेड़ पर लटका देने से राजा स्वामी के अंदर गुस्से से ज्वालामुखी फट रहा था और वो हर्ष, धीमन, दीपिन और वीरज की मौत का बदला दर्श को मार कर लेना चाहते थे। राजा स्वामी की बात सुनकर वहां बैठे एक वरिष्ठ ने उनसे कहा, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। अब पानी सिर के ऊपर चला गया है, हमें कुछ करना पड़ेगा और वो भी कुछ ऐसा वैसा नहीं बल्कि बहुत बड़ा, जो न सिर्फ दर्श को दर्दनाक मौत दे बल्कि हमारे कलेजों को ठंडक भी। मैं चाहता हूं कि दर्श की मौत एक उदाहरण बननी चाहिए। वरिष्ठ की बात सुनकर सुप्रीम पैलेस के राजा स्वामी, जो कि आरुषि के पिता भी हैं और जिनके पिता मशहूर राजशेखर जी हैं, उन्होंने कहा, मुझे तो अब बस एक ही रास्ता नजर आ रहा है, बाकी आप लोगों की सहमति के साथ ही मैं कदम उठाऊंगा। वरिष्ठ ने कहा, कौन सा रास्ता और आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं? खुलकर कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। राजा स्वामी ने वरिष्ठों की तरफ देखकर कहा, रावणासुर। वरिष्ठ ने पूछा, क्या रावणासुर? आप रावणासुर से यह काम करवाना चाहते हैं? राजा स्वामी ने बड़े ही सख्त लहजे में जवाब दिया, हाँ, आपको इसमें क्या दिक्कत है? वरिष्ठ ने कहा, जानते हैं ना वो कितना खतरनाक है, रावणासुर को बुलाना और इस मामले से जोड़ना कितना घातक हो सकता है। राजा स्वामी ने कहा, जो हर्ष और उसके दोस्तों के साथ हुआ, मैं उनका बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। वो मेरे बच्चों की तरह थे। जिस दिन से उनके साथ ये घटना घटी है, मैं चैन से सो नहीं पा रहा हूं। रावणासुर का नाम सुनकर सबके दिल में एक डर की लहर दौड़ गई थी। जो रावणासुर से वाकिफ थे वो जानते थे कि वो एक बेहद ही खूंखार और निर्दयी हत्यारा था, जो बाकी की तरह बिल्कुल भी साधारण नहीं था। उसे लोग उसके 100 चेहरे होने की वजह से 100 चेहरों वाला रावण भी कहते थे, जो बहुत ही शक्तिशाली था और ब्लू रोब वर्ल्ड स्पिरिटिस के साथ साथ वो सर्व संपन्न के 3rd स्तर पर भी था, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। रावणासुर के पास अक्सर लोग तब जाते थे जब वो किसी को दर्दनाक मौत देना चाहते थे। सुप्रीम पैलेस के राजा ने कहा, दर्श की बढ़ती ताकत के सामने एक रावणासुर ही है जो उसे ऐसी मौत दे सकता है जैसी हम सब उसे देना चाहते हैं। सुप्रीम पैलेस में उस वक्त कोई भी ऐसा नहीं था जो दर्श की लाश नहीं देखना चाहता था, लेकिन रावणासुर का नाम सुनकर सब दंग रह गए थे। रावणासुर के कई खतरनाक किस्से प्रचलित थे, जहां उसने एक दूसरे बलशाली राक्षस को उफनते हुए ज्वालामुखी में डुबाकर मार डाला था। लोग कहते थे रावणासुर को अपने दुश्मन का खून पीना भी बहुत पसंद था और वो इतना भयानक था कि एक बार में 1000 की सेना को भी अकेले अपनी शक्तियों से चींटी की तरह कुचल देता था। रावणासुर का नाम आते ही वरिष्ठ इस बात से राजी हो जाते हैं कि दर्श की मौत के लिए रावणासुर सबसे सही साबित होगा। तभी सुप्रीम पैलेस के राजा ने वो शर्त बताई जिस शर्त पर रावणासुर उनका काम करने वाला था। वो ऐसे नहीं आएगा, उसे इनाम के तौर पर 1,000,000 अमृत की गोलियां देनी पड़ेंगी। 1,000,000 अमृत की गोलियों का नाम सुनकर ही सभी वरिष्ठ एक एक करके पीछे हट जाते हैं और राजा अकेला हो जाता है। वरिष्ठों का ये रवैया देखकर राजा कहता है, क्या हुआ, तुमने अपने कदम पीछे क्यों कर लिए? वरिष्ठ ने कहा, हमने अपने कदम दर्श के डर से पीछे नहीं किए हैं बल्कि इस मांगी हुई रकम से किए हैं। इतनी सारी अमृत की गोलियां हम लाएंगे कहां से, और इस बात की कौन जिम्मेदारी लेगा कि दर्श की तरह रावणासुर हमें धोखा नहीं देगा? हम इतना बड़ा जुआ नहीं खेल सकते, इसलिए हम पीछे हट रहे हैं। वरिष्ठों के पीछे हटते ही राजा अकेला हो जाता है। राजा को ये बात बुरी तरह चुभती है और वो सारे वरिष्ठों से कहता है, 1,000,000 अमृत की गोलियों का प्रबंध तो हम फिर भी कर लेंगे, लेकिन कल को जो हमारे बच्चों को मार के जाएगा तो उन्हें वापस लाने का प्रबंध है आप में से किसी के पास? जिस प्रतिष्ठा को दर्श ने मारकर उस पेड़ पर लटका दिया, क्या उसे ठीक करने का प्रबंध आप कर पाएंगे? क्या आप में से किसी पर दर्श ने जानलेवा आक्रमण कर दिया तो उस अवस्था में आपकी क्या तैयारी रहेगी? शायद 1,000,000 आपको महंगा सौदा लग रहा होगा, लेकिन मुझे 1,000,000 नहीं बल्कि ये सौदा हमारे बदले हमारी खोई प्रतिष्ठा, हमारी मर्यादा और शौर्य के सामने बहुत सस्ता लग रहा है। आप हमारे साथ अगर नहीं जुड़ना चाहते तो बिल्कुल मत जुड़िए।
1 मिलियन अमृत की गोलियों का प्रबंध मैं अकेले कर लूंगा, मगर मैं अपने बच्चों की मौत का बदला जरूर लूंगा। जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकता है। राजा स्वामी की बात सुनकर पल भर के लिए सुप्रीम पैलेस में सन्नाटा छा जाता है। पहले जो वरिष्ठ राजा स्वामी को रावणासुर के लिए मना कर रहे थे, अब वो वरिष्ठ राजा की बात से सहमत हो जाते हैं और राजा को साथ देने का आश्वासन देते हैं। राजा की आंखों में खुशी की चमक आ जाती है और वो वरिष्ठों से कहता है, हमें रावणासुर को पहले एडवांस देना होगा, यानी आधा पहले और आधा काम होने के बाद। वरिष्ठ अभी भी हिचके जाते हैं और वो राजा से कुछ कहते नहीं है। राजा फिर से कहता है, हर सेना को 1,25,000 देने होंगे, बाकी तब जब दर्श का खात्मा हो जाएगा। वरिष्ठ राजा की बात को चुपचाप सुनते हुए हां में हां मिलाते हैं और अमृत की गोलियों को इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ते हैं। सुप्रीम पैलेस के वरिष्ठ और राजा अपने मित्र स्कूल एवं दूसरे राजाओं से अमृत की गोलियां देने में मदद के लिए हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं और उन सबको दर्श की निर्दयता की पूरी कहानी सुनाते हैं। अमृत की गोलियों के प्रबंध में लगे सुप्रीम पैलेस के राजा और वरिष्ठों को ज्यादातर लोगों से मदद मिलनी शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया से काफी खुश होकर राजा स्वामी रावणासुर को अपना संदेश भेजता है कि वो उससे मिलना चाहता है। रावणासुर उस संदेश के जवाब में राजा स्वामी से कहता है, आपका काम हो जाएगा, लेकिन पहले मुझ तक आपको 5 लाख अमृत की गोलियां पहुंचानी होगी, जिसे लेने के लिए मेरा स्ट्रेंज बर्ड आपके पास आएगा। रावणासुर का एक स्ट्रेंज बर्ड उल्लू की तरह दिखने वाला पक्षी था, जिसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसे स्ट्रेंज बर्ड इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि वो बाकियों की तरह साधारण पक्षी नहीं, बल्कि उसके 6 बड़े पंख थे। ऐसे पक्षी की कीमत काफी ज्यादा थी। स्ट्रेंज बर्ड काफी महंगे पक्षियों में गिने जाते थे और इन्हें पालना सिर्फ रईसों का शौक था। स्ट्रेंज बर्ड को रावणासुर ने इसलिए चुना क्योंकि वो डिलीवरी पक्षी भी था, जिसका काम सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना होता था। रावणासुर अपने पक्षी को सुप्रीम पैलेस में अमृत की गोलियों को लेने भेजता है। वरिष्ठ और राजा कैसे भी करके 5 लाख अमृत की गोलियां इकट्ठा कर लेते हैं। सारे लोग एक साथ स्ट्रेंज बर्ड का इंतजार करने लगते हैं और तभी रावणासुर का पक्षी आता है और राजा उस पक्षी के पांव में वो अमृत की गोलियां बांध देते हैं। गोलियां लेकर पक्षी हवा में तेजी से वापस उड़ जाता है। पक्षी के उड़ते ही राजा और वरिष्ठ ये सोचकर चिंता में घिर जाते हैं कि कहीं रावणासुर दर्श की तरह उन्हें धोखा ना दे दे। सुप्रीम पैलेस की साजिश से अनजान दर्श अभी भी आरुषि के इंतजार में वहीं रुका था, लेकिन आरुषि फिर से उससे मिलने नहीं आई। जहां एक तरफ दर्श के निजी जीवन की सच्चाई अलग थी, वहीं उसके युद्ध कौशल की सच्चाई अलग थी। दर्श अब तक 6 सेना के लोगों को मार चुका था। उसके मारने वालों की लिस्ट में एक बुजुर्ग भी शामिल हो चुका था, जो हेवनली मार्शल रेलम के पहले स्तर पर था। दर्श युद्ध कला में इतना निपुण हो चुका था कि उसके लिए हेवनली मार्शल रेलम के पहले स्तर और दूसरे स्तर के लोगों को मारना बाएं हाथ का खेल बन चुका था। लेकिन अभी दर्श सर्व संपन्न के 7वें स्तर पर था, जिसका मतलब था उसके लिए हेवनली मार्शल रेलम के 3रे स्तर के लोगों को मार पाना नामुमकिन था। दर्श अपने आप को जल्द से जल्द एक नए स्तर पर ले जाना चाहता था और उसी वजह से वो अमृत की गोलियां ढूंढता रहता है। दर्श अपना स्तर बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत करता है और हर उस चीज को करने की कोशिश करता है जो उसे एक महान योद्धा बना सके। दर्श अकेला बैठा आरुषि के बारे में सोच ही रहा था, अचानक से उसके पास वर्ल्ड स्पिरिट एसोसिएशन के सदस्य पारस और कौशिक आ जाते हैं। पारस और कौशिक के चेहरे पर घबराहट देखकर दर्श समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। वो दोनों दर्श का हाथ पकड़कर उसे कमरे में अंदर लेकर जाते हैं और कौशिक दर्श से कहता है, दर्श तुम्हें मारने के लिए सुप्रीम पैलेस के राजा और बाकी सारे स्कूल के वरिष्ठों ने रावणासुर को भेजा है। इससे पहले कि कौशिक पूरी बात कह पाता, हांफते हुए पारस ने कहा, दर्श तुम जितनी जल्दी हो सके यहां से भाग जाओ, वरना कुछ भी हो सकता है। पारस और कौशिक की बात सुनकर दर्श जरा भी नहीं चौंका और उसने कहा, भाग जाऊं? कहां भाग जाऊं? मैं किसी से भी डरकर भागने वाला नहीं हूं। जो आएगा मैं उसका सामना करूंगा। कौशिक ने कहा, दर्श तुम समझने की कोशिश करो, रावणासुर को दूसरों की तरह कमजोर मत समझो, वो तुमसे बहुत ताकतवर है, उसका मुकाबला करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। हमारी बात मानो और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चले जाओ। पारस और कौशिक की बात का दर्श पर जरा भी असर नहीं होता। दर्श अपना स्तर बढ़ाए बिना वहां से नहीं जाना चाहता था। तभी दर्श पारस से रावणासुर के बारे में पूछता है, आखिर कौन है ये रावणासुर, जिसे देखो सब उसका नाम सुनकर डर जाते हैं, ऐसा क्या है उसमें? पारस ने कहा, रावणासुर बहुत शक्तिशाली राक्षस है,
उसके अंदर असाधारण शक्तियां हैं और उसके 100 चेहरे हैं। वो कई बलशाली राक्षसों को बुरी तरह से मार चुका है, इसलिए लोग उसके नाम से भी डरते हैं। अब सवाल ये उठ रहा था कि क्या दर्श का आत्मविश्वास उसके लिए घातक साबित होगा? क्या दर्श रावणासुर से जीत पाएगा या फिर रावणासुर दर्श का वध कर देगा? क्या सुप्रीम पैलेस के लोगों का रावणासुर को चुनने का फैसला सही साबित होगा? इन सवालों के बीच पारस ने दर्श को फिर चेताया और कहा, इससे पहले कि रावणासुर और उसका पक्षी तुम्हें ढूंढे, तुम पहले ही यहां से निकल जाओ। बार बार पारस के भाग जाने वाली बात सुनकर दर्श झल्ला जाता है और पारस से कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बात यह नहीं है कि रावणासुर कितना शक्तिशाली है और मैं उसे लड़ पाऊंगा या नहीं, बल्कि बात यह है कि मेरी आज तक जीत सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि मैंने कोई भी लड़ाई गलत नहीं लड़ी है। ये लड़ाई भी मैंने शुरू नहीं की, लेकिन अगर सुप्रीम पैलेस के राजा रावणासुर से मुझे मरवाना चाहते हैं तो मुझे भी खुद को बचाने का पूरा अधिकार है। तभी कौशिक दर्श की बातों को सुनकर गुस्से से उससे कहता है, दर्श, जब तक तुम्हारा स्तर नहीं बढ़ता तुम्हारा रावणासुर से लड़ना आत्महत्या साबित होगा। हम तुम्हारे दोस्त हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। युद्ध सिर्फ बल से नहीं बुद्धि से जीता जाता है। दर्श शांति से पारस और कौशिक की पूरी बात सुनता है और उनसे कहता है, माफ करना, मैं जानता हूं तुम दोनों मेरे भले के लिए मुझे सचेत करने आए हो, लेकिन मैं यहीं रहकर रावणासुर का सामना करूंगा। ये सुनकर पारस और कौशिक डर जाते हैं, लेकिन दर्श वहीं खड़ा रहकर रावणासुर का इंतजार करने लगता है। जैसे ही ये बात वर्ल्ड स्पिरिट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मौलिक तक पहुंचती है, वो भागते हुए दर्श के पास आते हैं और उससे कहते हैं, दर्श, तुम अभी रावणासुर से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो, और उससे लड़ना मतलब मौत को सुनिश्चित करना होगा। पारस और कौशिक ठीक कह रहे हैं, इससे पहले कि रावणासुर आए तुम यहां से भाग जाओ। दर्श मौलिक की बात भी नहीं मानता और रावणासुर का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। तो क्या होने वाला था आगे? क्या वाकई दर्श रावणासुर का मुकाबला करना चाहता था? क्या रावणासुर दर्श को खत्म कर देगा? क्या बदले की आग में जलने वाले सुप्रीम पैलेस के लोग जीतने वाले थे या फिर दर्श? क्या आरुषि समय पर पहुंच पाएगी? आखिर दर्श के दिमाग में क्या चल रहा था? आगे क्या होने वाला था दर्श की जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।